यू एक्साइटेड भी हो फॉर योर एनुअल फंक्शन? कौन से सॉन्ग पर डांस कर रहे हो? पंछी बनो और ढपली वाले, टू सॉन्ग्स में। चलो गुड मॉर्निंग। सो आज पीहू का एनुअल डे फंक्शन है, हम लोग निकल चुके हैं, हमें मुलुंड जाना है, काफ़ी दूर है। सो चलिए ले चलते हैं आपको भी। ओके गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज पीहू का एनुअल डे फंक्शन है, तो हम लोग निकल चुके हैं साथ में। पीहू के स्कूल में जो बच्चे और पढ़ते हैं उनके साथ के लोग भी हैं हमारे साथ, मतलब मेरी फ्रेंड और उसके बच्चे भी हैं। सो हम लोग पहुंच गए हैं मुलुंड और यहाँ पे ऑडिटोरियम है। सो यहीं पे ही पीहू का आज फंक्शन होगा, तो चलिए अंदर चलते हैं और इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं। पीहू का फर्स्ट एनुअल डे फंक्शन है, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा और हम मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पीहू का फंक्शन देखने के लिए, तो चलो चलते हैं। I'm extremely happy and honored to welcome the dignitaries present here. Today is annual day. As you all are aware, we pay a musical tribute to the pride of India. The most bade unhe kehte hain Lata. Aaiye ab aap sabko sunate hain Lata ki katha. Please give them a huge round of applause. तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का डांस स्टार्ट हो गया है और सीनियर केजी, जूनियर केजी, जितने भी बच्चे थे सबने परफॉर्मेंस किया। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं पूरी आवाज़ ओपन करके रखूँ, बट कॉपीराइट के इशू की वजह से मैंने यहाँ पे सॉन्ग्स को बंद कर रखा है। तो यहाँ पे लता मंगेशकर जी के सारे पुराने सॉन्ग्स को यहाँ पे बच्चों ने डांस किया है, गाना भी गाया है, क्योंकि लता मंगेशकर जी को यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। और इसी पर बहुत, मतलब बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया, छोटे छोटे बच्चों ने। हमेशा नए गानों, हिप हॉप, यही सब गाने चलते हैं, बट आज आप पुराने गानों का, बच्चों का डांस देख रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे बच्चों ने किया है, और यहाँ पर अभी पीहू का भी जो फंक्शन है वो, उसका डांस जो है वो आने वाला है। सो बस दिल थाम के बैठिए, हमारी पीहू भी थोड़ी ही देर में आपके सामने आने वाली है। अच्छा, ये डांस परफॉर्मेंस जो है ये स्पेशल किड्स वाला डांस है। यहाँ पे जितने भी बच्चे स्पेशल हैं उनके लिए भी यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस हुआ था। सो इन्होंने भी बहुत ही बेखूब, मतलब बहुत खूबी के साथ इन्होंने डांस सिखाया। और देखिए ये जो सर हैं, इन्होंने कितना एफर्ट दिखाया बच्चों को डांस कराने, सिखाने के लिए। टीचर्स भी लगे हुए हैं, प्रॉपर डांस करवाया उनको। ये देख करके मेरा दिल खुश हो गया, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। सो फाइनली हमारी पीहू आ चुकी हैं और अब बस इनका डांस स्टार्ट होने वाला है। हाँ, पीछे Without asking Google, know what her birth name was. माला पकड़े हुई है अपना. And why was it changed? Anyone? Let me tell you all. At birth, she was named Hema. Yes, Hema Mangeshkar was her birth name. However, her parents renamed her to Lata, based after a female gayak. पंछी बनूं उड़ने में, आज मैं आजाद हूं।
तो आई होप आपको पीहू दिख गई होगी और वो सब बच्चों के साथ यहाँ पे डांस कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं और पुराने सॉन्ग्स में कर रही है, ये और अच्छा लग रहा है, उसको स्टेप्स भी याद हैं। और इसने अभी इसके बाद एक सॉन्ग भी प्रिपेयर किया है, सारे बच्चों को सॉन्ग्स में नहीं सेलेक्ट किया गया था, आरोही पीहू को मतलब उसको गाना याद था तो उसको सेलेक्ट किया गया है। आगे देखिएगा, अभी उसने एक सॉन्ग भी सुनाया है लता मंगेशकर जी का ही। तो ये छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट होता है एक पेरेंट्स के लिए कि बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मा मैं सेलेक्ट हुई हूँ। तो अभी वो सिंगिंग वाला जो था सेशन वो स्टार्ट हो गया है, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं, बट आरोही पीछे खड़ी हुई है, वो आपको दिख नहीं रही होगी और चाहती तो वो आगे आ जाती क्योंकि एक ही लाइन में बच्चे हैं, बट वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। देखिए पीछे ही खड़ी है थोड़ा सा, अगर शायद आप ये देखिए ये दिखाना, चोरी चोरी चुपके चुपके जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। तो अभी पीहू का फंक्शन हो गया, उसकी फ्रेंड का भी हो गया है, तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जूस लिया, उसके बाद एक यहाँ पे चिली पनीर डोसा लिया और एक सैंडविच लिया, फिर हम और मेरी फ्रेंड सब लोग थे तो हम लोग ने मिल बांट करके यहाँ पे अपना लंच या ब्रेकफास्ट जो भी आप बोले वो कर लिया है, क्योंकि सुबह ही जल्दी निकले थे ना कि दूर आना था मुलुंड, काफ़ी दूर 1.5 घंटे का रास्ता था और ट्रैफिक भी हो जाता है, सो इसीलिए हम लोग जल्दी निकल आए थे। पोहा मैंने सुबह बनाया था थोड़ा सा पीहू को खिलाने के लिए, पीहू का एक्चुअली वहाँ स्कूल में खाना मिलना था, लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ, लेकिन पेरेंट्स के लिए नहीं था। तो यहाँ पे देखिए हमारा डोसा जो चिली पनीर डोसा है वो भी आ चुका है, एंड यहाँ पे हमारी चीज़ सैंडविच भी आ गई है। तो ये हमारा आज का लंच होने वाला है और फिर उसके बाद हम लोग फिर अंदर जाएंगे, अभी मेरी फ्रेंड की बेटी का भी परफॉर्मेंस बाकी है क्योंकि क्लास वाइज हो रहा था, तो पीहू का फर्स्ट क्लास है उसका पहले हो गया है, अभी मेरी फ्रेंड की बेटी 7th क्लास में है उसका भी होना है। फ्री हो गए थे हम लोग 3:15-3:30 बजे, तो यहाँ पे देखिए अभी चल रहा है, इसके बाद जब उसका भी हो जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग साथ में ही घर निकलेंगे। Oh, join it.
मैं तेरे सामने झुक के प्यार करूं, तू मेरे मैं तेरे सामने झुक के प्यार करूं। तो इस तरह से करते करते ये परफॉर्मेंस भी कंप्लीट हो गया है। और सच बताऊं तो आज का ये एनुअल डे फंक्शन देख करके ना मेरे आंखों से आंसू आ गए। जो वो स्पेशल किड्स वाला परफॉर्मेंस था ना, उसमें इतना एफर्ट दिखा रहे थे टीचर्स, मतलब बच्चे इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि मैं डांस कर लूँ, मैं कर सकूँ। मतलब क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उस समय मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स आ रही थी। बस मेरे को ना मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे। अब हो सकता है कोई मुझसे ये कनेक्ट कर पाए, अगर कोई ऐसा कनेक्ट कर पा रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अभी सिंगिंग का जो परफॉर्मेंस है वो चल रहा है, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि 3:15 बज गए थे और मेरी फ्रेंड की बेटी जो है उनका भी यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो हो चुका है। तो चलो चलते हैं घर, 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। 45 मिनट्स दिखा रहा है अभी, 4:15 बजे हम अपने घर पहुंच जाएंगे। चलो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ। आई होप आज के ब्लॉग को आपने फुल एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।